अच्छा, आज कुछ फिल्मों के नाम आपको बताती हूँ। आपने सुना होगा फिल्म का नाम शिवा, मनी, दौड़, रंगीला, सरकार, सत्या। अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं इन फिल्मों के नाम क्यों बता रही हूँ। अरे सब्र करिए, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इन फिल्मों के नाम क्यों बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि इन सभी फिल्मों से एक शख्स जुड़ा है और वो शख्स हमारी आन बान और शान है। मैं बात कर रही हूँ हमारे बॉलीवुड के लेजेंडरी डायरेक्टर प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा जी की। इस बार ना वो कुछ अलग लेकर आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ उस अलग की, लड़की। अच्छा, नाम सुन के आपको लगता होगा कि लड़की है तो कोई अबला नारी पे फिल्म होगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि वो अबला नारी नहीं है, वो अच्छे अच्छे मर्दों को अबला मर्द ज़रूर बना सकती है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ मैं इस फिल्म की स्टार कास्ट के साथ, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ दिव्या अनेजा और आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो। और आपकी अब मुलाकात करवाती हूँ पूजा और राम गोपाल वर्मा जी, जो कि आज हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही पूछना चाहती हूँ, जब से ये ट्रेलर आया है यूट्यूब पर, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही ज़बरदस्त मिल रहा है। सर, वैसे तो आपकी हर फिल्म को एक शानदार रिस्पॉन्स मिला ही है, लेकिन इस फिल्म का रिस्पॉन्स देख के कैसा महसूस हुआ? क्योंकि लड़की एक मुद्दा है और कहीं ना कहीं लड़की का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि कोई होगी बेचारी जिसकी कहानी दर्शा दी। हाँ, करेक्ट, एब्सोल्युटली आपने सही कहा। सी, बेचारी लड़की एक्चुअली करेक्ट वर्ड है, इसलिए कि हम कभी भी वो वर्ड की हम इसलिए कि लड़की को हम एक वीकर सेक्स मानते हैं, उसका लिमिटेशन है, कुछ ये कर सकती है, मर्दों के ऊपर डिपेंड होते हैं, लड़के लोग उसको देखभाल करना चाहिए। और हम ये भी सुनते हैं कि कोई लड़का इनको छेड़ दिया, कोई लड़का इसने हरास किया जी। या तो कुछ अत्याचार किया। तो वो कॉन्टेक्स्ट में अगर ऐसी लड़की मिली उन लोगों को, तो फिर पूरा कहानी बदल जाएगी। इट ऑन द फेस। सो अगर ये तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक आयरोनिकल पन समझता हूँ मैं इसको, जो एक अगर पूजा जैसी लड़की जा कोई बदतमीजी कर किया तो उसका हालत क्या होगा, ये पॉइंट है। बिल्कुल। लास्ट थिंग एक मर्द सोचेगा कि एक लड़की उसको मार सकती है, फिजिकली मार सकती है, ये तो कोई भी सपने में भी सोचेगा नहीं, you know? इसलिए कि वो ग्रांटेड ले लगे कि वो वीक होगी, मैं उसको कुछ भी करते हूँ बेचारी कोई कुछ नहीं कर सकती और वो बेचारा को ये पता नहीं कि अभी क्या होने वाला है। ये पॉइंट है। बिल्कुल। अच्छा पूजा, मतलब आपको जब मैंने पहली बार देखा ना आप यहाँ पर आए, तो ऐसा लगा कि क्या ये सच में वही लड़की है जो ट्रेलर में दिख रही है? ओ गॉड, ट्रेलर में आप तूफान है और इस समय आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अपने अंदर लाने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मार्शल आर्टिस्ट का है, तो मैं एक पूरी तरीके से वो लड़की की जो अदा होती है, जो खूबसूरती होती है, वो जो लहजा होता है वो नहीं था मेरे में जी। मैं कम्प्लीटली टॉमबॉय थी। एंड जब मैं मिली सर से और इस फिल्म के लिए हमने काम करना शुरू किया, तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें पता चली मुझे। मैं अपनी मॉम के साथ जाती थी सर के ऑफिस में, ट्रैक सूट पहन के, वैसे ही ट्रेनिंग के बाद उसी ही लुक में मैं वहाँ पे चली जाती थी। तो काफ़ी कमेंट्स आते थे कि ओके, बहुत अच्छा एक्शन कर रही है, बट ये दिखने में उतनी अच्छी नहीं है, या हीरोइन वाला क्वालिटी नहीं है इसमें। Oh God. तो इन सब चीज़ों को मैंने बहुत ही पॉजिटिवली लिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो कह रहे हैं लोग आपके अराउंड, उसको आप सुनो और उसको अच्छे तरीके से लो और अपने ऊपर काम करो। तो वैसे ही कोशिश रही है मेरी। तो थोड़ा बहुत मेरा भी क्या कहते हैं, एक मेकओवर हुआ, जैसे फिल्मों में हीरोइंस का होता है। तो मैंने सीखा कि कैसे कैरी करना चाहिए खुद को, प्रेजेंटेबल कैसे रखना चाहिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, काफ़ी फिल्मी रहा है मेरा सफर। पूजा, कुछ दिन पहले ना मैं विद्युत जामवाल से मिली थी जी, और उनको देख के ना मेरे मन में एक ही चीज़ चल रही थी कि यार ये एक मार्शल आर्टिस्ट है और आई विश कि ऐसी कोई लड़की भी मेरे सामने आती, और बहुत मज़ा आता उसका इंटरव्यू करके। और आज आप आ ही गई, शायद अब मैं सोच रही हूँ कुछ और भी मांग लेती तो वो भी पूरा होता। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है आपको स्क्रीन पे मार्शल आर्ट करते हुए देख के,
ये आपका फोटे रहा है, आपको महाराष्ट्र सरकार से सम्मानित भी किया जा चुका है, लोगों तक ये चीज़ें पहुंचनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये फिल्म बेहद ख़ास है जी। सिर्फ हमारे देश ने ही नहीं, सिर्फ राम गोपाल वर्मा जी ने ही नहीं, बल्कि चाइना तक ये गूंज पहुंची है कि ये फिल्म कितनी ख़ास है जी। आपको क्या लगता है कि हमारे इंडियन जो इंडियन मेंटालिटी है या इंडियन सोच है वो इस कॉन्सेप्ट को या आपको या मार्शल आर्ट करती हुई लड़की को एक्सेप्ट करेंगे खुली बाहों से? क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? आई मीन जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन इंडिया में माना जाता है देवी देवताओं को, वैसे इतनी अच्छी अच्छी मतलब एग्जांपल्स है हमारे इंडियन सोसाइटी में, जो जो हमारी गॉडेसेस है उनको पूजा जाता है, तो काफ़ी रिस्पेक्ट है वुमेन की जो पहले से ही चलती आ रही है, वो कहीं ना कहीं कहीं लेवल पे वो कम होती जा रही है मुझे ऐसा लगता है। जिस तरीके से लेडीज़ को ट्रीट किया जाता है अपने घर में, जो जो लेडीज़ बाहर जॉब नहीं करते घर पे ही रहते हैं, उन्हें भी काफ़ी ख़राब इससे ट्रीट करा जाता है। तो मैं चाहती हूँ हर वुमेन को इक्वली ट्रीट करा जाए, भले ही वो जॉब करती हो या नहीं करती हो। तो वैसे ही मैं चाहूँगी कि लोग ये फिल्म देखें। मेरा जो किरदार है इस फिल्म में, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वुमन का किरदार है, वो कैसे अपनी लाइफ लीड करती है, अपने तरीके से, अपने मर्जी से कैसे डिसीजंस लेती है अपने लाइफ में, वो देखने लायक होगा। राम सर, एक वीडियो देखी थी मैंने, इंटरनेट पे वायरल हो रही है, उसमें मिमिक्री कर रहे हैं वो जैकी चैन जी, ब्रूस ली जी और उनके साथ एक फीमेल है, और वो जिक्र कर रहे हैं आप लोगों का। तो जब आपने वो पहली बार देखी तो आपका क्या रिएक्शन था? या क्या आज क्या ये मीम्स ये सब जो भी बनाते हैं इंटरनेट में, इतना क्रिएटिविटी है शायद हम फिल्म वाले सोच भी नहीं सकते ऐसा। लोग घर में बैठ के फ़ोन लेके कुछ कुछ भी करते रहते, दैट वॉज वेरी क्यूट आई थॉट। एक बात यह है कि फिल्म का जो सब्जेक्ट है ये है, और उसको ढूंढ निकाल के जो ओरिजिनल ब्रूस ली का फुटेज है और उसके ऊपर ऐसा डायलॉग जा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो ग्रांटेड हम लोग उसको सिर्फ एक नाम दे देते हैं मीम, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, पुणे से लेके बीजिंग तक का सफ़र क्या खास रहा इस सफ़र में? बीजिंग तक तो नहीं पहुंच पाई मैं, बट मैं चाहती थी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ ओलंपिक्स में, गोल्ड मेडल लेके फिल्म बीजिंग फॉर द चाइना। ओके, जी। तो जो मतलब मैंने जैसे शुरुआत मेरी हुई थी योगा सीखने से, एंड देन मार्शल आर्ट्स में मेरा करियर जो शुरू रहा, तो काफ़ी एक्साइटिंग रहा है। हमने जैसे फिल्म शुरू की थी, हमने सोचा नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे इतना कुछ अच्छा हो जाएगा हमारे साथ। बहुत ही हम्बल बिगिनिंग था हमारे फिल्म का, और जैसे ही मतलब सर ने बताया पहले भी कि कुछ फुटेजेस हमने शूट किए थे और वो चाइना भेजे गए वहाँ के कंपनीज़ को, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो लोग आए यहाँ पे एंड फिल्म साइन की। तो बहुत ही एक्साइटिंग था जो जर्नी है मेरी पुणे से लेके चाइना तक की, बहुत ही ड्रीमी लगता है, अनबिलीवेबल लगता है। सर, फिल्म रिलीज़ होने से पहले मुझे लगता है कि आप लोगों की अचीवमेंट है कि 40,000 से ज़्यादा स्क्रीन्स और 5 से ज़्यादा लैंग्वेजेस, तो ये अपने आप में ही एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जो रिलीज़ होने से पहले ही कामयाब हो चुकी है। yes. इस पर आपका क्या कहना है? या आई थिंक आज की डेट में अगर कोई भी फिल्म का सफलता का 3 पॉइंट्स होते, ये आपने कितना कक्षा में बनाया, कितना वापस है, दूसरा कितने लोग देखे, कितने लोग कोई पिक्चर है उसका अवेयरनेस आ गया, और इसके बाद किस किस को कैसे लगा, सो ऑल ऑफ देम आर सेपरेट थिंग्स यू नो। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ दैट इज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड, इसलिए कि चलो कितना भी टैलेंटेड है पूजा, नई लड़की है, आज की डेट में एक नई एक्टर को, नए एक्टर से फिल्म बना के उसको एक अवेयरनेस लाना बहुत ही मुश्किल काम है। बिल्कुल। लेकिन वो मुश्किल हमारी आसान इसलिए हुआ कि पूजा की जो टैलेंट है, पूजा इज़ नॉट कमिंग जस्ट एज अ गर्ल, शी इज़ कमिंग अक्रॉस एज अ हाईली टैलेंटेड पर्सन जो आज तक हमने कभी देखी नहीं। फीमेल मार्शल आर्टिस्ट को मेरी वैसे आज तक इंडिया में कोई भी एक्सेंट्रिक कैरेक्टर ऑफ मार्शल आर्टिस्ट फीमेल कभी बनी नहीं। सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द होल थिंग। सर, फिल्म में आपको ऐसा नहीं लगा कि शुरू करने से पहले, कि जैसे पहले एक कंगना की भी फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने स्टंट्स किए, एक्शन किया है, कॉमेडी किया है,
तो कोई ऐसे ही मैं कोई स्टार किड ले लूं और जिससे मेरी फिल्म उसके नाम पर ही चल जाए, उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग जरूर देनी पड़ेगी। ये वो थोड़ी सी ट्रेनिंग से ये पिक्चर नहीं चलेगी, इसलिए कि इसका बेस ही है। सी स्टार ज़्यादा से ज़्यादा जो पिक्चर में डूप ला के VFX करके ना तो वायर वर्क करके चला देते एक नॉर्मल एक्टर को, और काफ़ी इस फिल्म के लिए शायद एक दो हफ्ते कुछ छोटा मोटा ट्रेनिंग ले लेगी बस। ये इधर क्या पूजा का 12 साल का ट्रेनिंग है, 12 से ज़्यादा साल का, इतने एक्सटेंसिव ट्रेनिंग फॉर आवर्स टुगेदर एंड बिकॉज दैट शी डिड इट फॉर मार्शल आर्ट्स नॉट फॉर ए फिल्म। तो ये स्टोरी मैं बनाने के बाद उसके मिलने के बाद दैट इज़ व्हेन शी बिकेम ए मार्शल आर्ट्स से एक्ट्रेस तब बनी। सो ये पिक्चर का बेसिक पॉइंट ही है कि रियलिस्टिक मार्शल आर्ट्स, उसी के लिए तो मैंने बोल रहा हूँ इंडिया फर्स्ट मार्शल आर्ट्स फिल्म। सो आई थिंक ये सब निकल के दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। अगर मैं कोई स्टार किड लेता हूँ तो शायद स्टार किड हर पिक्चर में होती है बट जो एक्स्ट्रॉर्डनरी जो टैलेंट है दैट ऑल्सो इज अ स्टार फॉर मी। या राइट डेफिनेटली। पूजा, फिल्म शूट करते दौरान कोई ऐसा सीन था या कोई ऐसा पल था जब आपको लगा हो कि नहीं मुझे लगता है ये मुझसे नहीं हो पाएगा? ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ, क्योंकि बहुत ही ग्रेटफुल थी कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। तो एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड जो था मैं सेट पे बिता रही थी अपना काम करते हुए, वो बहुत ही प्रेशियस था। एंड हर स्टेप पे यू नो जैसे जैसे हम लोग अचीव करते गए जो भी एक्शन सीन्स हैं, और अच्छा लगता गया कि मे बी आई एम सपोज टू बी हर, मे बी आई एम यू नो ऑन अ राइट ट्रैक। तो वो ग्रेटफुल वाला जो फीलिंग था वो स्टार्ट टू एंड मेरे में था फिल्म ख़त्म होने तक। तो नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। सर, आपसे मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा पर्सनल है ये सवाल। आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी सिविल इंजीनियर के तौर पे, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कहीं कि मैं अब ज़्यादा बेहतर हूँ या मैं तब ज़्यादा बेहतर था, या अच्छा हुआ कि मैं इंजीनियर नहीं बना? मुझे कभी भी आज का दिन मेरा पूरी जिंदगी में बेस्ट दिन मैं समझता हूँ जी। या आज का दिन कुछ खास? नो, बिकॉज़ आई थिंक इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू मेक माय लाइफ एक्साइटिंग, राइट? और मैं किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होता हूँ, किसी और एक, सो दैट इज माय फिलॉसफी ऑफ लाइफ। या राइट। आप दोनों के साथ एक छोटी सी गेम में खेलना चाहूँगी। वैसे तो आई एम श्योर आपके पास समय कम है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम सबको पता होता है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, तो आपको खुद को नंबर देने हैं 10 में से, आउट ऑफ 10। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी, कुछ कैटेगरीज बताऊँगी, आपको जो चीज़ें लगे कि आप उसमें से 10 में से 8 है, 9 है या 10 है, तो वो आप ज़रूर बताइएगा। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। प्रोफेशनलिज्म किस में? 10 में से आपको खुद को रेटिंग देनी है। अच्छा, वैसा? हाँ। 10। कुकिंग 0। फ्रेंडशिप यस 0। लव 0। दुश्मनी 0। ओ गॉड। सोशलाइज्ड 0। रोमांस 5। डांस 0। ऑनेस्ट 10। ब्लेस्ड 0। ओ गॉड सर, कैसे मतलब इतने सारे 0 खुद को? या बट हमें लगता है कि आपको खुद को 10 out of 10 देने चाहिए हर क्षेत्र में। आपकी जो लाइफ की जर्नी रही है वो बा कमाल रही है सर। खुद को आप थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। पूजा, आपकी बारी, आपसे मैं पूछूंगी फटाफट से, 10 में से आपको जवाब देना है। कुकिंग आई थिंक 100 out of 10। आपने सर को खिलाया कुछ बना के? नो, बिकॉज ही हेट्स फूड। रियली? या। ओ गॉड। दुश्मनी 0। दोस्ती 10। प्यार 100। Honesty 10। Romance 10। Professionalism 10। Blessed Super blessed because I got this opportunity, so I would like to say 100। Sachai 10।
वाह, ये है आज की नारी, कॉन्फिडेंट और सबसे सब पे भारी. मतलब आप लोगों से ना मुझे बात करके तो मज़ा आ ही रहा है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद ना ऐसा लगता है कि यार फटाफट से फिल्म रिलीज हो ना, मतलब ये फिल्म देखनी है, फटाफट से ये फिल्म देखनी है. हम भी यही सोच रहे हैं, है ना. एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है लगातार. सर, आने वाले समय में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि इस फिल्म के सीक्वल की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. आई मीन अभी कुछ स्क्रिप्ट पे काम चल रही है, सो आई विल शेयर द डिटेल्स लेटर. ओके. और पूजा, आप अपना करियर अब स्पोर्ट्स में बनाने वाली हैं या फिर फिल्मी इंडस्ट्री में आने वाली हैं? मार्शल आर्ट्स तो हमेशा से पैशन रहा है, तो मैं चाहती हूँ उसी पैशन को अब करियर में कन्वर्ट करूँ और यू नो एक्टिंग वाले में ही मैं इसी दिशा में कंटिन्यू करना चाहूँ. अच्छा, कभी ऐसा हुआ शूट के दौरान, मैंने देखा बहुत सारे लड़कों की पिटाई करी है आपने फिल्म में, किसी को लग गई हो सच में और आपने बोला सॉरी सॉरी लगी तो नहीं? 1000 टाइम्स आई हैव डन दैट. जब भी मैं उनको मारती थी, मैं कोशिश करती थी कि ज़्यादा हर्ट ना करूँ किसी को, क्योंकि वो भी अपना काम करे, वो भी ह्यूमन बीइंग है. तो ऐसे बहुत बार हुआ है कि गलती से लग गया, तो आई वॉज रियली अपोलोजेटिक अबाउट इट. अच्छा, कभी मम्मी पापा ने शूट शुरू होने से पहले या शुरू होने ख़त्म होने के बाद कोई ऐसी टिप दी कि बेटा ये ज़रूर याद रखना चाहे जिस भी मुकाम पर पहुंच जाओ? एक्टिंग वाइज तो बहुत टिप्स मिली मेरे डैड से. अच्छा. क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि बेटा यू शुड नो हाउ टू क्राई, मतलब तुम कर ले रही हो ना, तुम्हारा फर्स्ट ब्रेक है. तो डैड से काफ़ी टिप्स आती थी एंड मॉम से बस एक ही टिप आई है कि जो भी तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ो, कितनी भी आगे चली जाओ तुम, बट हमेशा अपने पैर जमीन पर रखना. तो ये दो टिप्स मेरे पेरेंट्स. सर, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा आपके करियर में? मैंने कभी किसी के बात नहीं सुनी अभी तक. मुझे जो भी लगता है मैंने बस कर दिया. अच्छा. तो मुझे सपोर्ट लेने का हैबिट ही नहीं. या सो मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला था कि मैं ये करने वाला हूँ लाइफ में. अब हाँ भी बोले तो मैं करूँगा, ना भी बोले तो मैं करूँगा. मैं बस बोल रहा हूँ, आपसे पूछ रहा नहीं बोला मैं. Wow. Yeah. और वो मान गए? नहीं माने तो नहीं, माने तो नहीं गए, इसलिए मैंने उसको ऑलरेडी बोल दिया आप ना बोले तो मैं कर दूंगा, उसके लिए वो लोग सोच के हाँ बोल दिए. ऐसे कभी फिर ऐसा हुआ कि आपके पेरेंट्स की तरफ से फोन आया हो कि क्या बात है बेटे, आज तूने नाम रोशन किया हमारा? हाँ, यस, मेनी टाइम्स. मेनी टाइम्स? यस. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कभी याद है उस समय आपका क्या रिएक्शन? आई मीन आई थिंक आफ्टर माय फर्स्ट फिल्म. ओके. या वाह. सर, मुझे बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके. मन तो था कि इस कॉन्वर्जेशन को मैं कंटिन्यू रखूं, लेकिन आप लोगों के पास भी टाइम बहुत कम है. सो जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग एक एक कोई ऐसी टिप आजकल की लड़कियों को ज़रूर दें कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो करना बेहद ज़रूरी है उनको. सी, मुझे सबसे ज़्यादा ये जो फिल्म का जो मेरा प्राइमरी इंस्पिरेशन था, कि जो मेरा स्टडी था रिसर्च ब्रूस ली के ऊपर, मैंने देखा कि अगर एक आदमी 5'6" 7" का आदमी इतने बड़े बड़े फाइटर से फाइट कर सकता है. राइट. वैसे ब्रूस ली के पहले हम सब लोग सोचते थे कि एक 6 फुट रहना चाहिए, हैवीवेट बॉक्सर होना चाहिए, रेसलर होना चाहिए, और इस जैसी एक मार्शल आर्ट की वजह से एक छोटा सा आदमी वो कर सकता है. तो वही सोच को क्यों ना आगे लेके जाके वो लड़की को कर दो. अगर 5'7" का ब्रूस ली कर सकते तो लड़की क्यों नहीं कर सकती, ये सोचे. तो मुझे लगता है कि हर एक लड़की को ये ध्यान में रखना चाहिए कि तो मिनिमम उसमें से कई एडवांटेज है, सिर्फ फाइटिंग ही नहीं, सिर्फ सेल्फ डिफेंस ही नहीं, उनकी बॉडी की जो परफेक्शन है, उनकी हेल्थ है, फिटनेस है, सब एक पैकेज में आ जाते हैं. तो थोड़ा बहुत हमको एक डिटरमिंड वो काम कर सके. सो आई फील दैट इज़ वॉट पूजा विल इंस्पायर फ्रॉम द इन द फिल्म. डेफिनेटली. एक चीज़ मैं बताना भूल गई दर्शकों को, सुनिधि चौहान ने इस फिल्म में जो अपनी आवाज़ दी है ना, वो गाना ज़रूर सुनिएगा. सर, मुझे लगता है वो गाना ना लड़कियों के लिए तो खास तौर पे एंथम बनने वाला है. क्योंकि जब भी लड़कियों का दिल टूटता है तो वो थोड़ा रोने धोने वाले गाने ही हम अक्सर सुनते हैं कि दिल टूट गया है अब रो लो. लेकिन आई थिंक ये गाना सुनने के बाद ना कोई नहीं रोएगी. आई विश. अपने आप में ही एनर्जी आ जाएगी कि बस अब आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के दिखाना है. बिल्कुल बिल्कुल. पूजा, आप क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से? मैं कहना चाहूँगी स्पेशली जो हमारी वुमन है आउट देयर,
ये फिल्म बहुत ही प्यार से बनाई है हमने और वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर बनाई है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये फिल्म देखें, उसे सराहें और मैं चाहती हूँ कहीं ना कहीं आप इंस्पायर हो इससे और सेल्फ डिफेंस क्लासेस ज्वाइन करें ताकि हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हम खुद ही उतने स्ट्रांग हैं कि खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वाह, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपने कीमती समय में से कुछ समय हमें भी दिया, हमारे लिए निकाला, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इसी के साथ आप लोग हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।